नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। देश की राजधानी की हवा परेशान कर रही है। हवा का स्तर वेरी पुअर कैटेगरी का बताया हुआ है। प्रदूषित हवा का स्तर अगले दो दिनों में और भी गिरने वाला है। पराली जलाने का असर उत्तर पश्चिम से आ रही हवाओं के कारण देखने को हमें इन दो दिनों में मिलेगा। एक आंकड़े के अनुसार 27% प्रदूषण ही ये पराली जलाने के कारण होता है दिल्ली वालों के लिए। लेकिन राहत की खबर ये है कि 13 नवम्बर से जो ये हवा है उसका स्तर सुधर जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप सोच सकते हैं किस तरह से सुबह लोग सांस लेते हैं और किस तरह से जो बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके फेफड़ों पर असर होता है उसका। लेकिन बहरहाल कहा जा रहा है कि दो दिन और ये चिंताजनक स्थिति रहेगी, लेकिन उसके बाद 13 नवम्बर को हम कहा जा रहा है कि हवा का जो स्थिति है उसमें सुधार होगा। लेकिन जो ये वायु प्रदूषण की समस्या सिर्फ दिल्ली आसपास के इलाकों में ही नहीं है, उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में है। और ख़राब हवा में उत्तर प्रदेश के जो 10 शहर हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा हालत ख़राब बताई जा रही है, सबसे ऊपर है गाज़ियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, वृंदावन, और जो फहरिस्त है 8 शहरों की काफ़ी लंबी है। कई शहरों में अत्यधिक खतरनाक स्तर जो है हवा का, वो AQI जो लेवल है वो बताया जा रहा है। तो ये जो पूरा मामला है, हम अपने हमारे साथ एक खास पर्यावरण विद जुड़ेंगे, विमलेंदु झा। लेकिन वाकई में ये समझना बहुत लाजमी हो जाता है क्यों हर साल इस तरह की हालत हम सबके सामने आके खड़ी हो जाती है। विमलेंदु झा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद विमलेंदु जुड़ने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं, हर साल हम ये चर्चा करते हैं लेकिन एक बार फिर सही, क्या कारण आप देख रहे हैं जो ये हवा दिल्ली आसपास हम शहरों में देख रहे हैं इतनी प्रदूषित हो गई है? हेलो जी, मुझे आपकी आवाज फिर से एक बार दोहराइए सवाल प्लीज। यही विमलेंदु की कारण क्या देख रहे हैं आप जो इस तरह से हवा प्रदूषित हुई है? देखिए, जो हवा की जो स्थिति है वो ऐसी नहीं कि सिर्फ अक्टूबर नवंबर में स्थिति खराब होती है। स्थिति गंभीर जो है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है, और हमें शायद हवा जो है प्रदूषित हवा दिखने लग जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, इसके कारण हम इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि दिल्ली की हवा साल में 365 दिन में से कम 340 दिन जो है वो पुअर स्थिति में रहती है। इसका मतलब है कि 100 के नीचे या 50 के नीचे तो वो पूरे साल नहीं रहती है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर आप देखेंगे तो एपिसोडिक जो रीजन, जिसके बारे में आप भी बात कर रहे थे, एपिसोडिक रीजन जिसको कहते हैं कि जो इवेंट है, चाहे वो पटाखे हो या स्टबल बर्निंग हो, जो कि शायद स्टबल बर्निंग जो है कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक होता है, वो एक कारण है। लेकिन मुख्य कारण जिसके कारण दिल्ली की आबोहवा खराब है, वो दिल्ली के अपने इश्यूज हैं। जो हम कहते हैं कि लगभग 30 से 35% प्रदूषण जो है हवा का, वो हमारे वेहिकुलर पोल्यूशन के कारण है। लगभग 25 से 30% और कभी कभी 35% प्रदूषण जो है वो डस्ट के कारण है, जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज चलते हैं या रोड साइड डस्ट है। साथ ही साथ जो पूरा का पूरा बायोमास बर्निंग है या फिर वेस्ट बर्निंग है या कोल थर्मल पावर प्लांट्स हैं और इंडस्ट्रीज जो हैं, जो दिल्ली के हम कहते हैं कि 13 हॉटस्पॉट्स हैं। तो इन सब कारणों के कारण, और दिल्ली की जो अपनी ज्योग्राफी है बहुत ही एक वल्नरेबल ज्योग्राफी है, तो विंड और वेदर जो है बहुत ही उसका असर होता है कि किस तरह की हवा हमारे पास हो। तो अगर आप पिछले 7-8 दिनों में देखेंगे तो बहुत दिनों में हमारी हवा जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। दिवाली के नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमने देखा कि AQI जो था लगभग 999 से पार हो गया था, और इसके बाद कल थोड़ी सी सुधार हुई थी। तो सुधार का मतलब ये नहीं कि प्रदूषण कम हो गया था, बल्कि हवा की गति तेज होने के कारण जो है प्रदूषण एक जगह से विस्थापित होकर दूसरी जगह चला गया। लेकिन जब तक हम, आपने बात ये बहुत सही कही कि हमारे दिल्ली के अपने इश्यूज भी हैं। पराली जलाना है वो 27% एक भाग है प्रदूषण का, लेकिन हमारे जो अपना वायु प्रदूषण और जिस ट्रांसपोर्ट को लेकर, यातायात वाहनों को लेकर होता है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमने यमुना में भी देख लिया किस तरह से वो सफेद झाग छठ के दौरान चर्चा में रहा। ये बात आप सही कह रहे हैं कि इन दिनों में प्रदूषण दिखने लगता है, महसूस होने लगता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, अति भयावह हो जाता है, लेकिन फिर इस पर चर्चा नहीं होती है, हम लोग भी भूल जाते हैं। ये कैसे से पार पाया जाए इस समस्या से, किस तरह से क्या कदम सरकार उठा सकती है तत्परता से कि ये सुलझे ये समस्या? निधि, सबसे पहले तो सरकार को ये समझना पड़ेगा कि ये जो चर्चा परिचर्चा हम लोग करते हैं पर्यावरण के मुद्दों पे, तो ये सिर्फ पर्यावरण का सवाल नहीं है। ये सिर्फ रोमांटिक आइडिया, गुड एनवायरनमेंट, नीला आसमान, नीली नदी, इसकी जो परिकल्पना है वो सिर्फ एक एक
प्रेम पूर्वक नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड एक मुद्दा है। हमें ये इन दोनों चीजों को बहुत जोर के देखना बहुत ही आवश्यक है कि अगर हम काली नदी के साए में दिल्ली में रहते हैं तो उसका इफेक्ट हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता है, वो पानी हम पीते हैं और हमारे डाउनस्ट्रीम में रहने वाले लोग पीते हैं। साथ ही साथ जब हम कहते हैं कि आसमान काली है तो वो सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट नहीं है कि आप 100 मीटर से ज्यादा देख नहीं सकते हैं, आप 100 मीटर से ज्यादा तो नहीं देख सकते हैं, आपकी आपकी एवरेज जिंदगी जो है 9.5 साल कम हो रही है दिल्ली में रहने के कारण। लंग केयर फाउंडेशन कहता है कि हर तीसरे बच्चे को अस्थमा है, लैंसेट कहता है कि लगभग 15 लाख लोग भारत वर्ष में वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं। तो जब आपके पास ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं और फिर भी आपका जो पॉलिटिकल क्लास है, जो आपका राजनीतिक वर्ग है या फिर ब्यूरोक्रेटिक क्लास है जो कि इसको असल में ठीक कर सकता है, उनके अंदर ना कि इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी अर्जेंसी और इसकी इच्छा शक्ति कि इन सारे मुद्दों को हम एक सिलसिलेवार तरीके से, मैं और आप ये नहीं कह रहे हैं कि आप अगर बुधवार को ऐसी स्थिति है तो शुक्रवार तक ये स्थिति ठीक हो जाए, लेकिन अगर 2010 में ये स्थिति थी तो 2021 में भी अगर हम वही बात कर रहे हैं, प्रदूषण का स्तर अगर वही है जो 2010 में था। मैं यमुना के ऊपर लगभग 21 साल से काम कर रहा हूं और यमुना की जो स्थिति 21 साल पहले थी उस वैसी स्थिति आज भी है, उससे ज्यादा बदतर है। तो अलग अलग आयामों पे तो हम प्रगति दिखाते हैं, हमने मेट्रोज बनाए, हमने पुल बनाए, हम मार्स पे गए, हम चांद पे गए, लेकिन पर्यावरण और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड और खासकर कोविड के समय में अगर आप देखें तो पर्यावरण का मुख्य इफेक्ट, खासकर वायु प्रदूषण का मुख्य जो इसका असर है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे स्टडीज आ चुके हैं कि कोविड प्लस एयर पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हमारे बच्चों को तो वैक्सीन भी नहीं लगा है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, उसकी दुहाई देते हैं कि वो होना चाहिए, आप रेड लाइट पे हैं तो अपनी गाड़ी बंद कर लीजिए, लेकिन सरकारें उसके लिए कर क्या रही है, ये अहम सवाल बना रहेगा। आप जुड़े, हमारे पास समय इतना ही है, लेकिन वाकई में आपसे बात कर इस बात का आभास हो गया है कि सिर्फ चर्चाएं करते रहना नहीं, लेकिन एक बार फिर से खराब हवा हम सबके सामने आ गई और हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे, उनके फेफड़ों पर क्या असर हो रहा होगा, इसके बारे में जो हमारे राजनीति नेता हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए। बहरहाल दिल्ली की हवा लोगों को परेशान कर रही है, दिल्ली से लगते उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों की भी हवा बहुत ही खराब है। एक रिपोर्ट। ऊपर धुंध की मोटी परत और नीचे यमुना की सतह पर जहरीला झाग, ये दिल्ली में यमुना का नजारा है। ये दरअसल पिछली और मौजूदा सरकारों की साझा पर्यावरणीय विफलता है। यमुना पर तैरता ये सफेद फोम जहरीला है, लेकिन जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसमें लोग छठ पूजा के लिए उतर रहे हैं। लेकिन चौतरफा आलोचना के बावजूद और अखबारों चैनलों की सुर्खियों के बाद भी कहीं कोई सुधार नहीं है। पराली जलाने के मामले बीते 11 दिनों में 42,000 के पार चले गए हैं, ये 2018 के बाद सबसे ज्यादा है। धुंध में इतना योगदान बड़ा है, लेकिन इस साल पंजाब में पराली को लेकर एक भी FIR नहीं है, जबकि 2 साल में 1700 से ज्यादा FIR हुई थी। असल में चुनाव में बस 3 महीने बाकी हैं और सरकार किसानों को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। सरकार ने ना सानू दिता है। पराली प्रबंधन में हमारी मदद करने के बजाय सरकार हम पर कानूनी कार्रवाई करने, जेल भेजने और करोड़ों का जुर्माना लगाने की धमकी दे रही है। अगर हम करोड़पति होते तो पराली न जलाते। सबसे बुरा प्रदूषण पश्चिमी उत्तर प्रदेश झेल रहा है। देश के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 8 यही के हैं। दिल्ली और गाजियाबाद के कुछ हिस्सों में लगातार 8वें दिन बहुत ज्यादा प्रदूषण रहा। प्रदूषण का ये स्तर स्वस्थ लोगों के लिए भी खतरनाक है और जिन्हें पहले से कोई बीमारी है उन पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है, जैसे पास के हापुड़ में रहने वाले परविंदर सिंह पर, जिन्हें अस्थमा है। जब से ये पोल्यूशन बढ़ा है हापुड़ के आस पास, तो उसके बाद जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है और डॉक्टर ने भी सुबह शाम निकलने के लिए मना कर दिया घर से बाहर। यूपी प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी और डॉक्टर इसे दिवाली का असर बताते हैं। अभी ये दिवाली का त्यौहार निकल के गया है तो कुछ प्रदूषण तो बढ़ा ही है, उसमें ठंड भी बढ़ रही है, तो ये सांस के मरीजों की दिक्कत काफी बढ़ गई है। सांस के मरीजों का नंबर अस्पताल में बढ़ गया है, सांस फूलने वाले काफी मरीज आ रहे हैं। जो दिवाली के बाद जो इम्पैक्ट जो स्तर पहुंचा है वो सब्सिडाइज धीरे धीरे नहीं हो रहा है, उसका रीजन एक क्लाइमेट की कंडीशंस है। प्रदूषण की समस्या पिछले तमाम वर्षों में विकराल होती चली गई है, इसकी सबसे ज्यादा कीमत आम लोग ही चुकाते रहे हैं। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ, दिल्ली से मेहर पांडे की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।
और देश की बात में प्रदूषण के बाद अब बात करते हैं महंगाई की। सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, खाने के तेल के दामों में हर कोई इससे परेशान है और इससे निजात दिलाने के लिए गाजियाबाद में एक योजना शुरू की गई है जिसके तहत सरसों का तेल 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिल रहा है। गाजियाबाद से एक खास रिपोर्ट देखिए। सरसों का तेल 175 रुपए लीटर, रिफाइंड सोयाबीन तेल 135 रुपए लीटर। गाजियाबाद प्रशासन ने खाने के तेल के थोक कारोबारियों के साथ मिलकर आम लोगों को सस्ता तेल मुहैया कराने की ये योजना शुरू की है। एक लीटर ले क्या कितना भी गवर्नमेंट ने पहले इसको कम कर रखा है। जबकि आम दुकानों पर इस समय सरसों का तेल 195 रुपए और रिफाइंड सोयाबीन तेल 155 रुपए लीटर बिक रहा है। गाजियाबाद की किराना मंडी में हितकारी स्टोर समेत जिन 14 दुकानों पर ये 20 रुपए लीटर सस्ता खाने का तेल मिल रहा है, लोग उसके बारे में पता करके तुरंत खरीदने पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत त्रासन है, बहुत इतना महंगा है, तभी तो हम इतना दूर चल के आए। यहाँ से कितनी दूर होगा? यहाँ से है करीब 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दूर आप लेने आए, जबकि आपके घर के आसपास तो तेल मिलता ही है। हाँ, तो मिलता है, तो वहाँ 210 रुपए का मिल रहा है, यहाँ 175 का है, तो 35 उसके हिसाब से सेविंग है हमारी। पहले हम 200 करीब ले जाते थे, पौने 200 का मिला, 25 रुपये फायदा है हमें, तो जहाँ 10 रुपये बचेंगे वही फायदेमंद होगा ना। 20 रुपए लीटर सस्ता खाने का तेल बड़ी बात है, इसलिए योजना शुरू होने से पहले ही डिमांड आने लगी। ये बहुत अच्छी पहल है और जैसे मीडिया ने इसे बहुत अच्छी तरह से कवर करा है तो लोग टूट के पड़ रहे हैं, जी मैं वर्ड यूज़ करूँगा, टूट के पड़ रहे हैं। किसी वजह से आज हम लेट हो गए काउंटर लगाने में, स्टाफ हमारे पास शॉर्ट था छठ पूजा की वजह से, तो लोग हमसे पहले पहुँचे खड़े थे कि आपका नाम आया जी, आप हमें सस्ते रेटों में रिफाइंड दीजिए। लोग हमसे पहले खड़े थे और हमारी तैयारी हिसाब से हम कहेंगे पीछे थे। तेल सप्लाई करने वाले थोक कारोबारियों का कहना है कि लोग ब्रांड के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि लगभग थोक रेट पर अच्छी क्वालिटी का ही तेल मुहैया कराया जा रहा है। हमारा मेन ध्येय यह है कि इसमें महंगाई जो है लोगों को सस्ता माल मिले, इसलिए हम उच्च क्वालिटी का माल दे रहे हैं। सरसों तेल में भी हम एगमार ग्रेड का माल दे रहे हैं 175 रुपये में, हम पक्की कच्ची घानी दे रहे हैं, पक्की घानी नहीं दे रहे हैं। सोयाबीन भी हम अच्छी कंपनी का दे रहे हैं, जैसे रुचि सोया का है ये, पाम ऑयल भी दे रहे हैं। तो हमारा निरंतर प्रयास ये रहेगा शासन का, प्रशासन का सहयोग करके जनता को कम रेट पे माल उपलब्ध कराएं। हालांकि केंद्र सरकार के उठाए कुछ कदमों के बाद खाने के तेल के दाम कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन दाम अब भी बहुत ज्यादा हैं। दो बातें हैं, पहली ये कि आमतौर पर देखा जाता है कि जब होलसेल में दाम बढ़ते हैं तो लगभग उसी तेजी के साथ रिटेल में भी दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन जब होलसेल में दाम कम होते हैं तो उस तेजी के साथ रिटेल में दाम कम होते हुए नहीं दिखाई देते। और दूसरा, गाजियाबाद प्रशासन को लगता है कि खाने के तेल के होलसेल के दाम और रिटेल के दामों में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए रिटेलर्स पर दबाव बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। गाजियाबाद से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है मध्य प्रदेश से खबर। फिल्म निर्माता प्रकाश झा की पिटाई मामले पर पुलिस ने खुद ही दर्ज किया है मामला, लेकिन आरोपी पर कार्रवाई। मेरी जमानत हुई है सकते हैं, लेकिन भोपाल में 24 अक्टूबर को निर्माता निर्देशक प्रकाश झा और उनकी टीम पर वेब सीरीज आश्रम की शूटिंग के दौरान हमला हुआ था। प्रकाश झा ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन पुलिस ने खुद ही कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया था, जिसमें हमले का आरोपी बजरंग दल का प्रांत संयोजक सुशील सुडेले पर भी आरोप लगे। अब हैरत की बात यह है कि सुडेले भोपाल में 2011 में हत्या के एक मामले में दोषी करार है, फिलहाल जमानत पर बाहर है और इस हमले के बाद भी पुलिस ने उनकी जमानत रद्द करने को लेकर कोई पहल नहीं की है। चौबीस अक्टूबर भोपाल में वेब सीरीज आश्रम की शूटिंग के दौरान प्रख्यात फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, तोड़फोड़ की, उनके चेहरे पर कालिख पोत दी, उसके नेता कैमरे के सामने ताल ठोकते दिखे। अभी केवल प्रकाश झा का मुंह खाला खड़ा है, बाबी देवल को ढूंढ रहा है। ये शख्स हैं बजरंग दल के प्रांत संयोजक सुशील सुडेले। आश्रम के सेट पर हमले के बाद पुलिस ने सुशील सुडेले सहित
6 लोगों के खिलाफ खुद से मामला दर्ज किया, उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन अगले ही दिन उन्हें जमानत मिल गई। सुडेले जमानत पर रिहा है, हमसे भोपाल में विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में मिले, थोड़ा परेशान दिखे। पुलिस का कहना है कि उनका दोष नहीं है, क्योंकि आश्रम की टीम कथित तौर पर शिकायत दर्ज कराने की इच्छुक नहीं थी और इस वजह से उन्होंने हल्की धाराओं में सुशील सुडेले और उसके साथियों के खिलाफ जिन्होंने सेट पर हमला किया था मामला दर्ज किया, जिसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कोर्ट से गिरफ्तारी के फौरन बाद यानी अगले दिन ही जमानत मिल गई। हमारी जिंदगी बर्बाद। लेकिन सुडेले का हिंसक अतीत है, उन्हें एक हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था भोपाल के ट्रांसपोर्ट कारोबारी भागचंद की। 2011 की इस क्लिप में जिसे भागचंद ने रिकॉर्ड किया था, सुडेले उनसे पैसे मांगते देखे जा सकते हैं। इस वसूली के खिलाफ वीडियो क्लिप के साथ भागचंद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सुडेले के साथियों ने कथित तौर पर उन पर हमला किया, जिसकी वजह से भागचंद की मौत हो गई। इस अपराध के लिए सुडेले को 14 साल के कैद की सजा हुई, 2015 में उसे जमानत मिल गई। कानून के जानकारों का कहना है कि प्रकाश झा पर हमले के फौरन बाद पुलिस को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, ताकि सुशील सुडेले की जमानत जो उन्हें मर्डर केस में मिली थी वो रद्द हो सके। सारी बात इस मामले में हमने गृह मंत्री से सवाल पूछा तो सवाल अनसुना करने लगे, दोबारा हमने सवाल दोहराया तो बस कैमरे को देख कर चले गए। ये बजरंग दल वाले सुनील थे, वो जमानत हत्या के मामले में बाहर है, आपको लगता नहीं धमकी देते हुए उनकी जमानत रद्द होना चाहिए? पुलिस शिवपुरी वाली घटना एक नाली के पानी को लेकर के हुई थी और उसमें पुलिस वालों को भी चोट आई और वो दुखद घटना भी हुई, बच्चे वाली बताया है, उसमें 302 का प्रकरण रजिस्टर्ड कर दिया गया है पुलिस के खिलाफ में, ASI के खिलाफ में 2 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है, कार्रवाई तत्काल प्रभाव से कर दी है। चंद्रा विधायक सर, ये सवाल ये सवाल का जवाब देने पे बजरंग दल वाला चंद्रा विधायक सुडेले भोपाल में नादरा बस स्टैंड के पास विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में ही बैठते हैं। कई बार भागचंद मर्डर केस पर सवाल करने के बावजूद वो बात आश्रम हमले की ही करते रहे। तो जिस तरह का आरोप आप पर खास तौर पे लगा है कि आप तो एक मर्डर केस में कन्विक्ट हैं, जमानत पर बाहर हैं और इस तरह से जाके धमकी दे रहे हैं, इस पर आप क्या उत्तर देंगे? देखिए, हमने जाकर के किसी प्रकार की कोई धमकी वहाँ पर सेट पर प्रकाश झा साहब को किसी को कोई धमकी नहीं दी। हमने पहले कहा कि हमारा विरोध था, विरोध करने का तरीका भी सांकेतिक था, लेकिन जा करके वहाँ पर ही उधर के ही उपद्रवियों द्वारा, यहाँ के भोपाल के कुछ लोकल के बाउंसर थे, क्योंकि कुछ अब दूसरे उसके समाज के भी थे, उन्होंने जाकर के सीधे हमले करने का प्रयास किया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर, तब जाके ये घटना हुई है। लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि आपकी जमानत रद्द की जाए और आपको वापस जेल में रखा जाए। देखिए, मेरी जमानत हुई है, बस सत्य है, लेकिन मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़, किसी प्रकार की कोई हिंसा, किसी प्रकार का कोई पथराव, किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की कोई भी घटना, कोई भी एक वीडियो फुटेज में दिखा दे कि मेरे द्वारा कोई सीधी कोई घटना, कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं। इसको पहले मामले में जो मर्डर चार्जेस में आप कन्विक्ट हैं भागचंद जी, उस पर लेकर खत लिखा है कि आपका आपकी जमानत रद्द होनी चाहिए और आपको, क्योंकि आप बाहर आके इस तरह के उपद्रवी गतिविधियों में लिप्त हैं जी। विश्व हिंदू परिषद भी शायद सुडेले की जमानत को उनकी बेगुनाही मान रहा है। अभी वो जमानत पर हैं और वो धर्म की रक्षा का काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसको स्वतंत्रता है अपने धर्म का आचरण करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए, हर एक नागरिक को अधिकार है। कांग्रेस का आरोप है कि सुडेले अपने राजनीतिक रसूख की वजह से बचे हुए हैं। सुडेले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र, RSS प्रमुख मोहन भागवत और दूसरे BJP नेताओं के साथ तस्वीरों में काफी सहज भी हैं। सुशील सुडोले जहां साहब पे हमला करते हैं, मारपीट करते हैं और उसकी तरफदारी गृह मंत्री से लेकर सब करते हैं, जो कि एक मर्डर कन्विक्ट है और अभी बेल पे बाहर है। हम भागचंद के घर भी पहुंचे, जिनकी हत्या के मामले में सुडेले और उसके साथियों को सजा हुई थी। उनके 2 बच्चे बड़े हो गए हैं, पत्नी कहती है कहीं से कोई मदद नहीं मिली, अब इतनी आर्थिक ताकत नहीं बची कि केस लड़ सके। मांग होती थी 1500 रुपए रोज के। ये कौन मांगता था? सर, पुलिस वाले वो 1500 रुपए महीने के लेते थे। मतलब वो बोलते थे तो उन्होंने बोला कि मैं अपने घर को पालूंगा, कि मैं किसको पालूंगा।
तो इस चक्कर में कहते हैं पीछे से आके मार दिया था उन लोगों ने। मध्य प्रदेश सरकार इस बात से बिल्कुल इनकार कर सकती है कि वो हमलावरों का पक्ष ले रही है, लेकिन ये साफ नहीं है कि आखिर क्यों वो हत्या के एक दोषी के जमानत को रद्द करवाने के लिए कोर्ट नहीं पहुंची, जो खुले तौर पर हिंसक हमलों को अंजाम दे रहा है और लोगों को धमकी दे रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर है उत्तर प्रदेश से। भारत से 100 साल पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वो वापस आ गई है। अब इसे 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में पुनर्स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी स्थापना करेंगे। कई जगह ये सवारी इनकी निकलेगी, लेकिन सवाल ये वहां पर उठ रहा है, क्या इसके माध्यम से चुनावों से पहले सियासत हो रही है? देखिए एक रिपोर्ट। मंत्रोच्चारण के साथ आधुनिक कला केंद्र में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के लिए पूजा अर्चना शुरू हुई। अन्नपूर्णा की मूर्ति देने के लिए मंच पर करीब 15 केंद्रीय मंत्री और मूर्ति लेने के लिए उत्तर प्रदेश से करीब आधा दर्जन मंत्रियों का लाव लश्कर मंच पर मौजूद रहा। इस दौरान भाषण देने वाले मंत्रियों ने मूर्ति को भारत में वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास से, निर्णय से, केनाडा सरकार से बातचीत करते हुए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारीगण लगातार बहुत सालों से काम करते हुए आज संपन्न हुआ है, वो भारत फिर अपने धरती पर अन्नपूर्णा माता जी मूर्ति का लाए गए। मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति काशी विश्वनाथ मंदिर से 1913 में चोरी हो गई थी। अन्नपूर्णा की जो मूर्ति है वो 1913 में काशी से चोरी हो गई थी, और चोरी होने के बाद में एक जो कनाडा के मैकेंजी थे उनको उस मूर्ति को बेच दी गई, और उसके बाद में कनाडा के सरकार से आधिकारिक तौर पर यह गुजारिश की गई कि स्वागत करने के लिए करके इस गौरव की अनुभूत पाने के लिए से जो है लालायक है, और प्रत्येक व्यक्ति के जुबान पर एक ही शब्द है, तो उस आधिकारिक अनुरोध को जो है वो कनाडा सरकार ने माना, और उसके बाद में 2014 के बाद से ही वो लाया गया है। लेकिन जानकार कहते हैं कि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति स्थापना के बहाने बीजेपी सियासी फायदा भी उठाना चाहती है। यही वजह है कि अन्नपूर्णा की मूर्ति की झांकी 4 दिन तक कासगंज, मैनपुरी, कानपुर, बाराबंकी और अयोध्या जाएगी। फिर 15 नवंबर को काशी में खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मूर्ति की स्थापना करेंगे। झांकी निकलने के दौरान बीजेपी के जिला प्रभारी और मंत्रियों को भी मौजूद रहने को कहा गया है। भारत की 100-100 साल, हजारों साल पुरानी जो धरोहर है वो कई वर्षों से भारत के बाहर जाती रही और उसकी कोई पूछताछ करने वाला नहीं था। आज भारत को सही प्रधानमंत्री मिले तो चीजें वापस आ रही। देखिए, आंध्र प्रदेश में चुनाव नहीं है ना, हम आंध्र प्रदेश में भी वापस लेके जा रहे हैं, आपको दिखेगा। 2014 से मैम अभी तक काफी साल हो गए, तमाम सारी चीजें वापस आई, लेकिन इतना भव्य कार्यक्रम हमने तो अभी तक नहीं देखा। आपको, आप एनडीटीवी से है इसलिए शायद नहीं देखा होगा। मंत्री जी इन सवालों को टाल गई, लेकिन 2014 से अब तक 42 मूर्तियां और धरोहरें विदेशों से भारत वापस आ चुकी हैं, पर इतने मंत्रियों की मौजूदगी में 4 दिन तक कानपुर से लेकर अयोध्या तक में झांकी शायद कभी नहीं निकाली गई। नई दिल्ली से रविशंकर शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज समाजवादी पार्टी की कश्यप समाज की रैली हुई। यहां पर अखिलेश यादव ने कहा है कि 2022 में किसानों का इनकलाब आएगा। कई और बातें अखिलेश यादव ने कही, उन्होंने कहा है कि कई दलों के साथ गठबंधन करेगी उनकी पार्टी, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया किन किन दलों के साथ। आइए सुनते हैं एनडीटीवी से खास बातचीत में क्या क्या कहा अखिलेश ने, सुनते हैं। तमाम ये पलायन के शब्द उठ रहे हैं, पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं, और सबसे बड़ा पलायन अगर हुआ है तो मुख्यमंत्री जी का खुद हुआ है, और मुख्यमंत्री जी का अगर पलायन ना होता उत्तर प्रदेश में तो शायद 5 साल खुशहाली के उत्तर प्रदेश के होते।
और आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के शाजापुर की में जो आशा कर्मचारियों से लखनऊ में प्रियंका गांधी ने मुलाकात की है। इन आशा कर्मचारियों को कई समय से वेतन नहीं मिला है और उनकी कोशिश थी कि योगी आदित्यनाथ से मिलें, लेकिन पुलिस ने इन पर मारपीट भी की थी, इनका ये आरोप है और चिंता जो इनकी थी उन्होंने व्यक्त की है प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद। और देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे कर्नाटक से खबर दिखाएंगे, वहां पर किस तरह से वर्चुअल करेंसी के मामले में हो रही है सियासत, एक छोटे से ब्रेक। देश की बात में खबर है कर्नाटक से, कर्नाटक का वर्चुअल करेंसी घोटाला 10 करोड़ का है या खरबों का ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन यहाँ राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है जिसमें मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से लेकर कांग्रेस नेताओं पर उंगली उठाई जा रही है। 25 साल का श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्री की फिलहाल जमानत पर है। आरोप है कि इसने वर्चुअल करेंसी के एक्सचेंज में सेंधमारी करके 2000 के आसपास क्रिप्टो करेंसी हासिल की, एक की कीमत तकरीबन 48 लाख रुपए। मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही, लेकिन साइबर अपराध से जुड़े इस मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने आरोप लगाया है कि अगर मामले की जांच सही ढंग से हुई तो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पद छोड़ना पड़ेगा। बीजेपी वरिष्ठ इन्वॉल्व आगे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ उनके बेटे इस स्कैम में शामिल हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी भी इसीलिए पुलिस अधिकारी जांच से दूर रहना चाहते हैं। बेंगलुरु यावदे पुलिस स्टेशन इरबहुदु यावदे अधिकारीगळु इरबहुदु बिटकॉइन अन्नद नीवु बिट अन्नद कॉइन अन्नद किंत मुंचेने अवरु दैवी कै जोड्सि बिडतारे अदर बग्गे मातादलिक्किल्ल। खड़गे का सीधा आरोप मुख्यमंत्री बोम्मई पर है और वो उनकी सरकार से कुछ सवाल कर रहे हैं। श्रीकी के पास से बरामद बिटकॉइंस कहां गए, जब्त 31 बिटकॉइंस और 9 करोड़ रुपए का ब्यौरा चार्जशीट में क्यों नहीं है, श्रीकी को जमानत कैसे मिली जबकि उस पर सरकारी वेबसाइट हैक करने का भी आरोप है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने भी बीजेपी पर जांच की दिशा भटकाने की कोशिश का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि इस स्कैम को कांग्रेस की तरफ से शह मिली और उसके नेता इसमें शामिल हैं। अगर हम कुछ छुपाना चाहते तो सीबीआई और ईडी से जांच नहीं करवाते, देखना मामला सिद्धरमैया और कांग्रेस को उल्टा पड़ेगा। स्थानीय अखबार बिटकॉइन घोटाले की वजह से चल रहे सियासी उठापटक की खबरों से भरे पड़े हैं। वरिष्ठ नेता और अधिकारी सीधे तौर पर इस घोटाले से जुड़े हों या ना हों, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है कि इनके बेटों का इस घोटाले से सीधा सरोकार है और ये रसूखदार लोग अपने बेटों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। और इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।